नमाज में इंसान अल्लाहु अकबर कहता है तो इस बात को वो फील करे, मेरी परेशानियां जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के लिए कोई चीज बड़ी नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो कौन कह के मेरी परेशानी को हल कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा तो अल्लाह जानता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी मुसीबतों को जानता है, तुम्हारी तकलीफों को जानता है। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से मदीना जब हिजरत करने गए ग़ारे सौर में, आप थे, अबू बकर थोड़ा सा टेंस्ड हुए, और फिक्र अपनी जान की नहीं थी, फिक्र दीन की थी, रसूलुल्लाह की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने आपको बताया दीन की फिक्र करना ये अच्छी फिक्र है। दुनिया की टेंशन लेना अगर ये इतनी सवार हो जाए कि गम में तब्दील हो जाए, डिप्रेशन में तब्दील हो जाए, तो ये काबिले मजम्मत है। तो अबू बकर को जो फिक्र हुई वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई कि या रसूलुल्लाह ये लोग हमारे इतना करीब हैं कि अगर ये अपने नीचे कदमों को देखेंगे तो ये हमें देख लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलैक्स्ड, अबू बकर मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है कि उन दो के साथ जिसका तीसरा अल्लाह हो। ये फीलिंग इंसान को जो है ना बिल्कुल ही एक अलग स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचा दे कि अल्लाह मेरे साथ है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है।